नहीं होनी चाहिए और जो बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, किसी हफ्ते 6-7 लोगों को मारा गया जो बेगुनाह हैं, तो हम इसका कंडम करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि आइंदा सिलेक्टिव किलिंग से हमारा रुख है। एक तरफ तो 5 अगस्त 2019 के बाद जो दावा किया था बीजेपी सरकार ने कि यहाँ पे अमन होगा, यहाँ पे हालात ठीक हो जाएंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे रोज़गार मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। बल्कि लोगों को यहाँ मारा जा रहा है, रोज़ यहाँ एक दो लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये टोटली फेल्योर है, सिक्योरिटी फेल्योर। ये बताइए सर, माइनॉरिटी कम की बात है कि डर तो है, उसमें कोई शक नहीं है। जो कम्युनिटीज़ यहाँ पे रह रही है हमारी, जो माइनॉरिटी में है, उनको डर तो है, क्योंकि ये मुझे लगता है 90 के बाद से ये आज जो हो रहा है ये बिल्कुल 90 की सूरत हाल इस वक्त। तो मुझे लगता है डर उनको है, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है मुसलमानों की है, हम उनको आश्वासन ये देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। जो यहाँ पे ये कम्युनिटीज़ हैं, चाहे सिख हैं चाहे हिंदू हैं, हम उनके साथ हैं, हर दुख में हर गम में उनके साथ शामिल हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये किलिंग ना। जो आपको बात बताऊंगा, पहले तो ये पता नहीं चलता है कि कौन मुलावस है, किसने किया, क्यों किया, ये तो मुबहम सी बात है, लेकिन जो भी मुलावस है उनको तो सजा मिलनी चाहिए।